हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं रश्मि देसाई से। जी हां, रश्मि देसाई टेलीविजन की क्वीन, नागिन की शलाका और बिग बॉस में जिनकी बहुत चर्चा हुई, जिनकी वजह से बिग बॉस की टीआरपी बढ़ी और बहुत दो तीन बार जब टीआरपी के हाई हुए उसमें रश्मि देसाई भी शामिल थी। तो आज हम रश्मि देसाई से बहुत सारी बातें करेंगे बिग बॉस से रिलेटेड, उनकी जिंदगी में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में और उनके फेमस द आरडी शो के बारे में और आने वाले दिनों में उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं रश्मि देसाई के साथ। हेलो शो वाली, हाउ आर यू? I'm good. How are you, gorgeous? I'm fine. तो कैसा सेकंड सीजन की शुरुआत कैसी रही? अरे सेकंड सीजन की शुरुआत बहुत धमाके के साथ रही, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नेटवर्क ने धोखा दे दिया यार। ये भी कॉमन फैक्टर, नेटवर्क का गड़बड़ चल ही रहा है। या बट देयर इज नथिंग टू डू, घर पे बैठ के आप इंटरनेट ही तो यूज करोगे, क्या करोगे आप। प्रश्न, ये आरडी शो का आपका आइडिया बहुत जबरदस्त था, मतलब इस वक्त को यूटिलाइज करने का इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। या यूटिलाइज करने का, एंड आई एम आल्सो एक्सप्लोरिंग माय सेल्फ बिकॉज यू नो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी एबल टू होस्ट द शो लाइक दैट। आई गेट वेरी नर्वस। पर रश्मि, अगर आप जो सेलिब्रिटीज, ब्यूटीफुल और पॉपुलर सेलिब्रिटीज अगर शो होस्ट करेंगे तो हम जर्नलिस्ट लोग क्या होगा? अरे आप हमारे तक पहुंचाओगे, हमें इंटरव्यू कौन देगा फिर? अरे हम इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू नहीं लेती हूँ, आई जस्ट शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद द पीपल। बहुत बार ऐसा होता है यू नो, पीपल सी द सक्सेस, पीपल सी द राइट डिसीजन, पीपल सी दैट कि अरे इन्होंने तो ये अचीव कर लिया, बट बिहाइंड दैट सो मच स्ट्रगल इज देयर, दे हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर ऑल्सो। वो जर्नी बहुत लोग नहीं ओपन अप कर पाते, बट लॉट ऑफ टाइम इट हैज हैपेंड। जिनको मैंने इंटरव्यू लिए है, मेरे शो पे गेस्ट आए हैं, मोर ऑफ अ कैंडिड टॉक वी हैड, एंड उसमें होता है ऐसा दैट कि आप इतनी आसानी से अपने सपने पूरे डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बार सीढ़ी चढ़ते हो आपसे गलती होती है, देन आप अपना बेस बनाते हो, आप सीखते हो, आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते हो। सो दैट ऑल वी ट्राई एंड शेयर, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन वेयर यू सिटिंग होम एंड वी हैव इंटरनेट अवेलेबल, सो वॉट ऑल यू कैन डू सिटिंग होम वो भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। रश्मि, दो तीन दिन पहले आपने एक लाइव आकर के एक वीडियो एक लाइव किया था और मैं आपकी फैन बन गई थी। मैंने दीदी से बात भी की और मैंने कहा कि इससे बेहतर मूव हो ही नहीं सकता। आई रियली यू नो, इसके पहले मैं आपको एज अ पर्सन, एज अ एक्टर मैं बहुत पसंद, आपको उत्तरन से बहुत पसंद करती थी और हमेशा मैंने आपके बारे में ये कहा है कि एक ऐसा चेहरा जिसके सिर्फ चेहरे में ही बहुत सारा एक्सप्रेशन है, खूबसूरत चेहरा। तो वो चेहरा इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि बिग बॉस में हमने आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखे, जहां पे आप वल्नरेबल भी होती थी, वीक होती थी, मगर उस दिन वो वीक रश्मि नहीं थी, वो रश्मि ने तैयारी कर ली थी कि चलो अब ये है और मैं आकर खड़ी हूँ, अब देखो आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच। Though I think it's how you see it, but I have a habit of Hey, as a person I am, I let go things, I give lot of chances, I also take lot of chances to understand, but jab aapko lagta hai, but okay, now this is the time to, you have to put it in, so you have to stay very firmly, so that's what I do, I give lot of time, and then dahi jab hota hai, then you have to come to a right thing. Rashmi, jab aap Bigg Boss se ghar ke andar gayi thi, हमने आपके, आप और आपकी मम्मी बात नहीं कर रहे थे, मैंने आपकी मम्मी का इंटरव्यू भी किया था, बहुत क्यूट है आपकी मॉम, मगर बिग बॉस का सबसे ब्यूटीफुल थिंग कि आप और आपकी मम्मी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत थी वो सब दूर हो गई, एंड यू गाइस आर बैक टुगेदर। नो, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, लॉट ऑफ टाइम पीपल आर टॉकिंग दैट के आई थिंक एवरी फैमिली हैज समथिंग और द अदर, देयर पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मैच एंड ऑल, आई एम श्योर हर एक की फैमिली में ये होता है, मेरी फैमिली में भी था, बट आई वॉज नेवर ओपन अबाउट इट, इट केम आउट ड्यूरिंग द शो, एंड आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट, हाँ हम लोग में ऐसा नहीं है कि बहसबाजी नहीं होती थी, होती थी, बट वो हमें पता है कि कहाँ तक और किस तरह से रखनी होती थी। हाँ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी, वो गैप थोड़ा कम हो गया है अब, बट एट द एंड ऑफ द डे इट हैज नेवर हैपेंड दैट कि हमारी फैमिली की मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती थी, मैं निभाती थी और वो भी बेटर वे से मुझे समझ पाते, तो दैट इज ब्यूटीफुल।
आपकी मॉम नहीं चाहती थी कि मतलब अरहान से आपका डिस्टेंस ने शायद ये निर्णय आपकी मम्मी को पसंद आया होगा. रश्मि नागिन आप बाहर आई, आपने एक टेलीविजन का सबसे कोई सेलिब्रेटेड शो इस वक्त है तो वो नागिन है, यू नो नागिन बना होता है, तो वो शलाका वाला एपिसोड कैसा रहा, कैसे वो अप्रोच कैसे आया और कैसे आपने एक्सेप्ट किया? शलाका वाला वॉज वेरी मच फन. जब मुझे नागिन के बारे में पूछा आई वाज लाइक, मैंने बोला पहले स्क्रिप्ट सुनूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आई हैव नेवर डन. सुपर नेचुरल पावर में आपको ना बहुत सारी लिबर्टी लेनी होती है, तो इट इज फन ऑल्सो एज एन एक्ट्रेस. मैंने कभी ऐसे शूट नहीं किया है बिकमिंग नागिन एंड ऑल, मुझे पता नहीं था क्या होना है. बट डिड हाय विकास, थैंक यू, लव बैक. इतने कम टाइम ही मैं शूट कर पाऊंगी, लॉकडाउन की वजह से अब रुक गया. सो या बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सच अ बिग फ्रेंचाइजी. रश्मि से एक एक्साइटमेंट भी है, हालांकि वो सरप्राइज रखा आपने. आपने कहा था कि कोई बहुत बड़ा कुछ आप सरप्राइज देने वाली है अपनी फैंस को, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आप करने वाली है, तो कब मिलने वाली है? मैं बहुत सारी चीजें काम पर काम कर रही थी, बहुत सारे सोच चल रहे थे. ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. जब तक वो श्योरिटी वाली चीज नहीं आ जाती, कंफर्मेशन नहीं होता, तब तक मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ. और इसीलिए मैं शांत बैठी हूँ, जब हो जाएगा मैं जरूर बताऊंगी एज सून एज पॉसिबल. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद देम. आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम. बहुत से लोगों ने कल पूछा था कि आपने अपने वीडियोस क्यों नहीं, आपके वीडियोस कुछ शायद आपने बनाए हैं, आपने कहा था कि आप शेयर करेंगे, आपने अब तक शेयर नहीं किए हैं, तो आपके फैंस ने बोला सॉन्ग वीडियो, तो वो कहाँ है वीडियोस जो आपसे पूछना चाह रहे हैं? वो बना के रखे है, एडिट भी करके रखे है, सब कुछ गेंदा फूल भी बन के रेडी है, पर मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. समहाउ आई थिंक आई हैव टेकन अप टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, तो बहुत सारी चीजों के साथ. बट आई थिंक फ्रॉम दिस वीक आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव ऑन माय ऑल सोशल प्लेटफॉर्म. सो या आई अपलोड दिस वीक. बिग बॉस के कौन से लोगों से दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हुई, और बिग बॉस ने ये कौन से दोस्त आपको दिए हैं जो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहे? आई थिंक मैं सबकी दोस्त थी वहां पर कन्वीनियंटली. जब जिसको परेशानी होती थी तो मैं खड़ी रहती थी, कोई मायूस होता था तो मैं जाती थी, कोई हंसी मजाक का मौका होता तो डेफिनेटली काउंट में आ जाता था. बट अगर बहुत गहरी वाली अगर दोस्ती मैं कहूँ, दैट इज देबुलीना एंड आसिम. ऑन एंड ऑफ बात हो जाती है, बट आसिम एंड हिमांशी समबडी हु इज नॉट. हिमांशी तो खैर पंजाब से है तो कभी कभी, बट आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ आसिम. रश्मि आसिम बहुत प्राइवेट पर्सन, मुझे लगा था बाहर आकर के बहुत इंटरेक्टिव होगी, पर उन्होंने थोड़ा प्राइवेट रखा है अपने आप को. यू नो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि बिग बॉस में उनको देखकर मुझे लगा था कि वो बहुत बात यू नो बाहर आकर के फैन से बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे. नहीं, आई थिंक आई एम द ओनली वन हु स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट एंड हु इज मोस्टली ऑन सोशल प्लेटफॉर्म. Constantly I'm working on doing something, trying to introduce all my people to get to unke liye better ho jaye taki ye quarantine. Kafi sari apps batati hu, online courses batati hu, the kind of information I share, so mujhe lagta nahi hai ki mere 13 season ke koi bhi contestant itna kar rahe hai. I think I'm the one who's very much doing something or the other, aur main zyada baatein karne lag gayi hu. That is I was talking to somebody yesterday only that ki main pehle expressive nahi thi, अब मैं बहुत खुल के बात करने लग गई. सो आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. यू नो व्हेन जब आप बात करते हो तो अंदर कुछ नहीं रहता, यू आर अ लाइटर पर्सन. यू नो आप बात करते हो और फिर आप या बट बात भी क्या करनी, वो मैं थोड़ा सा बहुत क्लियर रहती हूँ उन चीजों में. और या द काइंड ऑफ आडी शो आई हैड, उस पे भी बहुत ऐसे होता है, हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली यू गिव अ थॉट, इट्स समथिंग रिलेटेड टू यू, यू कैन रिलेट टू योर लाइफ एंड नॉर्मल डे टू डे रूटीन में आप वो चीजें कर सकते हो. तो या आई थिंक आई एम द ओनली वन. अभी आपने मुझे पूछा तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि जो इतनी बातें करते रहती है, लाइफ जाती है कॉन्स्टेंटली, इतना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव देते रहती हूँ. तो ये वक्त ऐसा है कि लोगों को कॉन्टेंट चाहिए, यू नो लोग घर में अकेले हैं, उन्हें चाहिए कोई उनसे बात करो. दैट इज अ बिग थिंग, यू नो अच्छा लगता है लोग कनेक्ट करना. या अच्छा तो लगता है डेफिनेटली, बट
बहुत सारी चीजें मुझे ध्यान भी रखनी पड़ती है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं अपनी बहुत सारी चीज मतलब बिकॉज ऑफ मनी रीजंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए भी वैसी चीजों को लेके मैं बात करूं, हाउ दे कैन प्लान आफ्टर क्वारंटाइन एंड ड्यूरिंग क्वारंटाइन व्हाट ऑल दे कैन डू, कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में ये चलते रहता है बिकॉज आई सी माई स्टाफ, आई एम स्टिल मेकिंग श्योर दैट कि उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर वो सही रहेंगे तो मैं सही रहूंगी बिकॉज विदाउट देम आई एम डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू डू 10 थिंग्स एट द सेम टाइम, सो या मेरे लिए ये चीजें मैटर करती है. रश्मि, एक जो बहुत दिलचस्प फैक्टर था बिग बॉस 13 में वो आपका और सिद्धार्थ का की केमिस्ट्री, वो एक लड़ाई झगड़ा, आप दोनों का नोकझोंक, फिर आप दोनों का कैमरा ऑन होते ही जो आप लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते थे, जिसको लोग टेलीविजन पर यू नो सबसे ज्यादा खूबसूरत कपल जिसके दिल से दिल तक का वो सॉन्ग मुझे लगता है दोबारा लोगों ने जिया यहाँ पर. तो जब शो खत्म हुआ, शो के दौरान सिद्धार्थ से आपका जिस तरह का की नोकझोंक रही, जिस तरह का रिश्ता रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और बाहर निकलने के बाद भी आप लोगों के बीच में एक नोकझोंक वाला एक क्यूट केमिस्ट्री आप दोनों के बीच है, जो आप जब आप लोग बात करते हैं तो लोगों का अटेंशन जाता है. या केमिस्ट्री के बारे में क्या कहूँ, आई थिंक लॉट ऑफ या एक व्हेन वी टू वर्किंग टुगेदर इट्स वेरी डिफरेंट, बट या हम लोग एक दूसरे को अब एज एन एक्टर तो हम लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब हाथ आती थी एज अ फ्रेंड बहुत लड़ाई करते थे, बट इवेंचुअली सब सही हो गया, तो इट्स नाइस, इट्स फन. रश्मि शहनाज से भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही, वो हमेशा आके आपके पास बैठती थी और दुखड़े रोने की बात की, रश्मि और मैं एक दूसरे का दुखड़े रोते हैं, तो वो कैसा वक्त था? क्यूट है वो, नाइस है, शी इज फन, थोड़ी जल्दी टाइप की है बट मुझे पसंद है, ठीक है, बट बाहर आने के बाद कोई इंटरेक्शन नहीं है मेरा उसके साथ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट. और देबोलिना एज ए पर्सन कैसी है, अपफ्रंट, गट्सी, आप क्या कहना चाहेंगी? शी कांट कीप एनीथिंग इन हर हार्ट, व्हाटएवर शी विल फील शी विल बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट सोल, एंड लोगों को बहुत ब्लंट लोग ज्यादा पसंद नहीं आते हैं. और मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक शी परफेक्ट, शी वेरी मच क्लियर विद हर थॉट, शी वेरी मच क्लियर विद हर फीलिंग्स, इफ शी डजंट लाइक शी विल से इट डजंट लाइक इट, एंड वर्क रिलेटेड, हर डिसीजन रिलेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, अगर उसे लगता है कि नहीं शी नीड्स टू अंडरस्टैंड इट इवन मोर बेटर, शी टेक टाइम, शी गो अगेंस्ट एवरीवन, शी इज समबडी हुम आई कैन रिलेट टू वेरी इजिली, आई थिंक शी इज द ओनली कंटेस्टेंट, टू डिफरेंट पीपल, बट बहुत कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ लेते थे, एक दूसरे का सहारा भी बनते थे, और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हर बातों को हर फीलिंग्स को शब्दों में रखें, कई बार बिना सोचे बिना बोले और बिना कहे आप समझ जाते, तो देवोलिना इज दैट पर्सन फॉर मी हु अंडरस्टैंड प्रिटी वेल, आई अंडरस्टैंड हर वेरी वेल, एंड आई नो दैट के थोड़ी शॉर्ट टेम्पर है बट दिल की बहुत अच्छी है, अगर आपको बहुत तकलीफ में देखेगी चाहे आपके साथ बने या ना बने वो दैट इज अ सेकेंडरी थॉट, बट अगर आप तकलीफ में हो आपके लिए, अगर आप सही हो तो आपके लिए खड़ी भी रहेगी. रश्मि शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ, वो भी एग्जैक्टली आई थिंक इट्स द सेम वुमेन हु आर वेरी सेल्फ मेड, देयर माइंड थॉट एंड देयर वे ऑफ टॉकिंग एंड देयर बिहेवियर इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट. रश्मि, घर के अंदर जाने से पहले देबोलिना की आपकी जैसी दोस्ती थी, घर के अंदर जाने के बाद वो और ज्यादा गहरी हुई या पहले से आप लोग बहुत गहरे दोस्त थे? कौन, आप और देवो? मैं और देवो, नहीं, आई थिंक वी मेट फर्स्ट टाइम इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर ही हमारी दोस्ती बहुत गहरी हुई, एंड स्पेशली जब आई थिंक हर हेल्थ वॉज नॉट वेल, उस दौरान हमारी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. रश्मि, आरती और आपकी दोस्ती पहले से थी और घर के अंदर काफी बार हुआ बाहर जाके हम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, फाइनली आप मिले या नहीं? आप आई थिंक शी इज द वन हु सेड दैट नहीं मिलेंगे, शी इज द वन सेड दैट हु विल बी विद मी, वो मैं जानती हूँ उसको, तो मैंने कभी भी उस चीजों को सीरियसली नहीं लिया था. अब आप लोग टच में हैं, आप और आरती? या मैं मुझे पता था उसका वो सोडा की बोतल के टाइप का है, वो उसे बड़बड़ कर देती है, बट
मैं जितना आरती को जानती हूँ, इफ शी इज अटैच्ड विथ यू, आप उसको कितना डांटो मारो करो कुछ भी करो, वो उसके मन में जो भी आएगा वो सीधा बड़बड़ बड़बड़ भी कर देगी, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं आपको. तो अगर इतने सालों में बॉन्ड है, शी वॉज पार्ट ऑफ द शो एंड आई नो वॉट वॉज गोइंग इन साइड. तो एज अ मेच्योर्ड पर्सन आई न्यू वॉट आई हैड टू डू. तो आई नेवर एनकरेज दैट टॉपिक व्हेन इट कम्स आउट. आई डोंट केयर एट टाइम्स. रश्मि, बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहां पर लोग जो रिएक्ट करते हैं असल में वो वैसे होते नहीं है, वो वक्त और वो जगह वैसी होती है जिससे लोग उस तरह का रिएक्शन देते हैं. क्या आप इस बात को मानती हैं? सी, क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ये देना मुझे सही लगता नहीं है, क्योंकि लोग जितने समझदार है उन्हें ये सब लगता नहीं है. रही बात ये शो ही बहुत अलग है और कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, एट द सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड सर्टेन पॉइंट. बट आई डोंट सी दैट कि यू नो कोई बहुत पॉजिटिव या कोई बहुत नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई थिंक द वर्ल्ड इज ग्रे. द वर्ल्ड इज ग्रे. यू आर ग्रे. व्यूअर्स आर ग्रे. आई एम ग्रे. ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज ग्रे. रश्मि, बिग बॉस वाले कलर्स वाले सालों से आपके पीछे थे, पड़े थे बिग बॉस करने के लिए, इस साल कैसे कन्विंस हुई आप इस बार? यार मुझे वो डिसीजन चलो कहीं ना कहीं एक हद तक मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ है, बट समथिंग ऑर द अदर आई हैव लर्नड एंड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिसीजन मेकिंग पार्ट. रश्मि, सलमान खान ही हैज अ लाइकिंग फॉर यू, वो आपको पसंद करते हैं बहुत, और जिस तरह शो में उन्होंने आपको स्ट्रांगली आपको सपोर्ट किया बिना ये सोचते हुए कि वो एज ए सलमान खान आकर किस तरह की बात कहेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे. बिग बॉस शो को लोग ट्रोल करते हैं, लोगों को बहुत कुछ बोलते हैं, पर उन सबकी परवाह किए बिना वो आए और स्ट्रांगली आपके लिए खड़े रहे. न केवल उन्होंने स्टेज पर से आपको बातें बताई बल्कि घर के अंदर आए और उन्होंने आपको समझाया, ही मेड श्योर की यू आर फाइन. आप सलमान सर एंड आई मस्ट से दैट सलमान सर एंड उन्होंने जो भी किया वो बहुत बड़ी चीज थी. मुझे कई बार वो मुझे जानते हैं डेफिनेटली, जो उन्होंने कहा था उन्होंने अपना ही कंसर्न जो दिखाया मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी, मुझे इस वक्त नहीं समझ आ रहा था. एंड ही टुक केयर ऑफ मी एंड ही इज टू वो है मेरी लाइफ में गार्डियन एंजल की तरह, हमेशा ही बिन देयर अराउंड मी बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बट ही इज ऑलवेज देयर. नदीम भाई है, सो मेरे फ्रेंड्स है, तो बट स्पेशली सलमान सर को मैं हमेशा इस चीज के लिए तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि वो मैंने सुना है वो राजा है, पर वो दिल के और वो हर तरह से राजा है. वो एक एक चीज है अगर उनकी सामने मैंने जब सुनी है, और लोगों ने तो सिर्फ सुनी है, मैंने देखी भी है. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल. कई बार मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मेरी वजह से ऐसे इस टॉपिक पे अगर बात निकलती है तो मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी कहीं ना कहीं होती है, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ हाई मैं बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी. तो या बट आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी मच इन प्लेस एंड ब्यूटिफुल एंड आई एम हैप्पी टुडे. It's only because of them. रश्मि, घर से बाहर आने के बाद अरहान से आपकी कुछ बात हुई थी, मतलब आपने आप लोगों ने मतलब कुछ क्लेरिफाई करने के लिए? I think I have. जब आपने लाइव देखा था, I made it very clear that I had ended that topic. I would not like to discuss, and I really respect the other person also understand the same thing. इतना कि रश्मि, ये आपको लगता है अब ये फैसला लेना आपके लिए अरहान से अलग होने का फैसला लेना आपके लिए डिफिकल्ट ज्यादा था या इम्पोर्टेंट ज्यादा था, मतलब यानी उसके बारे में क्या कहना चाहेगी? मैं आई रिस्पेक्ट दैट कि आप उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मगर चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके फैंस आपके लिए बहुत कंसर्न थे. मेरे फैंस आर फॉलोइंग मी प्रॉपरली. माय फैंस आई एम इन टच विद देम, लाइक दे ऑल नो दैट आई रीड देयर मैसेजेस एंड दे गेट राइट मैसेजेस फ्रॉम माय साइड. एंड रही बात मेरे डिसीजन को जो जरूरत लगी है मैंने वो सारे लिए है और मैंने क्लियर भी किया है. सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टॉक अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो लिटिल. अरहान ने ये बात भी कही थी कि आपकी तरफ से वो बैंक स्टेटमेंट वाली बात जो उन्होंने इनडायरेक्टली आप पर वो किया था कि आपके फैंस ने वो बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीन शॉट जो है वो लीक किया था, क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं. आई वॉट एवर आई हैड टू से आई हैव सेड इट इन माय लाइफ ऑलरेडी. मुझे बताइए कि आगे
दिल से दिल तक का कोई शो, सिद्धार्थ का कोई शो आएगा और उस तरह की कहानी, अच्छी कहानी होगी, अच्छा रोल होगा, इंटरेस्टिंग बड़ा बैनर होगा, क्या प्रेफर करेंगे आप, किस तरह का शो प्रेफर करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, इफ द स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. रश्मि, एक आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना बिग बॉस का, उसमें आप लोग बड़े चैट पैट करते हैं, हमने सुना यूट्यूब की खबरें सुनी कि आप लोग, आप हिंदुस्तानी भाव ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. हाँ बना है ये. हाँ सो वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड पार्टियां भी करी है बिग बॉस के घर के बाहर, बिकॉज व्हेन आई केम आउट आई गेव माय बर्थडे ब्रंच इन बेस्ट चिन. सो हाँ, जो मेरे बहुत करीबी थे मैंने उनको सबको इनवाइट किया था. फ्यू मेड इट, फ्यू कुड नॉट मेड इट बिकॉज उनकी कमिटमेंट थी पर्सनल. And I was very excited to meet all my friends. So, मैं मिली हूँ, मैंने enjoy भी किया है, but then during the lockdown, so definitely you can only talk through WhatsApp. रश्मि, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी. Three things you learn in this lockdown. तीन ऐसी चीजें जो आपने lockdown में सीखी. Writing, makeup, workout. Okay. Three things you realized after coming. Coming after Big Boss House. Three things I've realized after coming out of the Big Boss House that had changed, and I've realized I was not expressive before. Okay. I used to not understand that the person feeling easily, because I used to keep myself into a locked door. And बहुत सारी चीजें रियलाइज की है यार. सबको समझ आएगा धीरे धीरे. Three things you will never do in your life. तीन चीजें जो कभी नहीं करोगे. तीन चीजें जो कभी नहीं करूंगी. Depends on the situation यार. I can't say no to it anything right now. Three things you are proud of. Three things I'm proud of. To have or to whatever I'm doing. Whatever. Yeah. That I'm proud of that I'm answering all your questions. Proud of I'm working. Proud of being woman. Three mistakes of your life. There are never mistakes. There are always lessons in life. You learn and you move on. Three regrets. Three regrets. I think that has been part of my decision. So you don't regret, you just feel bad and sad. Okay. I think this is a very interesting question, because ये मैंने भी बीच में किसी को पूछा था कि regret कैसे हो सकता है. You खुद decide करते हो and then आप decision लेने के बाद आप खुद करते हो, तो you can't be regretting. You know, you feel bad. You feel it didn't work, it didn't happen, it is not the way you always wanted. So you regret when you don't do it, but other person is making you do. Kill, love, affair, kiss, hug. Kiske saath karenge aap? Kill, love, affair, kiss, hug. Aur log hain Sid, Asim, Vishal, Arhan, Shehbaz. अरे यार, बिग बॉस खत्म हो गया मेरा तो. वंस एंड फॉर ऑल आई लव. अभी अगर मुझे पूछोगे, मेरा ह्यूज क्रश इज विक्की कौशल. आसिम इज अ फ्रेंड. ओके. किल इज अ पास्ट. ओके. एंड विशाल इज क्या बचा क्या अभी? सॉरी, इट वाज किल, लव, अफेयर, किस एंड हग. Kill, love, affair, kiss, kiss and hug. Kill is past. Okay. Affair is I've never seen them that way. I'm so sorry. I can't ask. I cannot answer. Okay. और किल भी मेरा बदलते रहता है.
हम मोटो बदलते रहते हैं, रोज किसी को मारने का मन करता है. आई थिंक ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग वो भी बिलीव करेंगे, आज किसी को मारने का मन तो कल किसी और. सुबह मम्मी देख रही थी, मम्मी बोलती हर जगह के लॉकडाउन खोल दिया, हमारे क्यों नहीं खोल रहे, सबको मार. अंदर से वो बंद रह रहे कि उनको भी अंदर खत्म वो होने लग गया है. सच में लॉकडाउन में आपका क्या कर रही है मैं पूछूंगी, मगर मुझे एक सवाल आपसे पूछना था. आपकी स्कूल लाइफ में आप कैसी स्टूडेंट थी, कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें आप डिस्कस करना चाहेंगे अपने फैंस? आई वाज एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स लाती थी मैं अपने, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही. बट लास्ट एक महीना जो आप स्टडी करते हो ना, वैसे वाली स्टूडेंट, अगर ढंग से पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, पर ऐसे कभी किया नहीं है. कॉलेज में आई वॉज सिंसियर स्टूडेंट, ऑयल वॉयल लगा के, चोटी वोटी डाल के और बड़ी स्लीव्स का शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स पहन के जाना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज. कौन से कॉलेज से पढ़ती थी आप? एन एम कॉलेज, नर्सिंग मौंजी कॉलेज. एंड या कभी, एंड आई थिंक सेकेंड ईयर से तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट टू मी. आई हैड टू सर्व पीपल, हैड टू सर्व मी, एंड देन आई हैड टू डू थिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी. बच्चों आप शरारती बच्चा थी या एकदम अच्छा वाला बच्चा? शांति, अच्छा वाला बच्चा मतलब, हाँ मुझे अगर आपने बोल दिया तो आई यूज्ड टू बी वेरी शांत, बिकॉज अ सिंगल पेरेंट नाउ, सो आई यूज्ड टू लिसन टू माय मॉम एवरीथिंग. बचपन में कोई दोस्त आपके स्कूल कॉलेज के, जो दोस्त जिनको आपने प्रिजर्व करके रखा है, ग्रुप है आपका दोस्तों का? नो, वी वर ओनली थ्री फ्रेंड्स, एक ही शादी हो गई है, एक इंडिया के बाहर है, सो टच में फेसबुक के थ्रू ही होती है बातें. रश्मि, लॉकडाउन के दौरान अपने आपने एक शो शुरू किया जहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रही हैं, मगर आपके खुद के लिए आपको लगता है कि आपके अपने आपको शांत रखने के लिए आपने थिंक किया, किस चीज का सहारा लिया कि लॉकडाउन में आपको अच्छा लगे? मेडिटेशन, आई थिंक दैट कीप्स यू वेरी काम एंड यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ एंड या ये आई थिंक दिस वर्कआउट एंड मेडिटेशन इज द ओनली की. रश्मि, आगे आरडी शो के और सीजन आने वाले हैं सेकेंड सीजन के बाद? मैंने तो सिर्फ ड्यूरिंग द लॉकडाउन सुना था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. लॉकडाउन के बाद आई थिंक पीपल, इफ दे लाइक इट देन आई लव, देन आई थिंक द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द शो वर थिंकिंग टू प्रोड्यूस इट आल्सो. रश्मि, इफ एनीवन लाइक्स इट, डेफिनेटली एवरीबॉडी, आई एम गेटिंग अ ग्रेट रिस्पांस, टच वुड, बट आफ्टर द लॉकडाउन आल्सो इफ आई गेट इट देन वी विल प्रोड्यूस इट. रश्मि, भोजपुरी फिल्मों में आपका बहुत बड़ा लोग बहुत प्रशंसक है आपके काम की, लोगों को बहुत पसंद है, तो आगे कुछ वहां के लिए कुछ प्लान है, कुछ करने वाली आप? आई हैव नो आइडिया, ड्यूरिंग द लॉकडाउन यू आस्क्ड मी अबाउट आगे के प्लान एंड पहले के प्लान, तो वो प्लान तो बहुत सारे हैं, मैं तो अपना लॉन्च भी बहुत कुछ सोच चुकी हूँ, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, फिल्में कितनी सारी रिलीज होने वाली थी, आई थिंक वो सारी नेक्स्ट ईयर पे चली गई है, एज यू नो द रियलिटी, शोज आर, न्यू शोज आर नॉट कमिंग, सारे जो पुराने हैं पीपल हु लाइक्स इट वो सारे शोज अभी रीरन हो रहे हैं, एंड यू नेवर नो, आई थिंक आफ्टर द लॉकडाउन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से ऑल दैट थिंग. वो हवा में कुतुब मीनार बनाने वाली बातें नहीं आती मुझे, सॉरी यार. रश्मि, कुकिंग कुछ करी आपने लॉकडाउन के दौरान? कोई डिशेस ट्राई करी आपने किचन में, हाथ आजमाया? नहीं नहीं, कभी नहीं, बेसिक चीजें बनाती हूँ और आई थिंक I'm spending good time with myself and doing things, the kind of activity which I've told you, I'm being very honest, I'm not a kitchen person completely. हाँ, but बाकी घर के सारे काम कर सकती हूँ मैं, झाड़ू पोछा, कपड़ा, वॉशिंग मशीन में बर्तन डालना. रश्मि, मुझे याद आ रहा है जब आप बाहर आई थी तो आपने और विशाल ने पास्ता का एक पोस्ट डाला था कि पास्ता खा रहे होंगे अपने पैसे का, समथिंग लाइक दैट. अरे जिविता, जिविता शट अप, दीपावली वाली आ गई, शी माय लिटिल सिस्टर, द लिटिल एंड लिटिल सिस्टर. कोई बात, टीम रश्मि, कोई मुझे चैट करती, उसका आईडी था टीम रश्मि, एंड मैंने पूछा आपका नाम क्या था, शी सेड कि रश्मि को मेरा नाम पता है, आप उनसे पूछना.
टीम रश्मि इज हर आईडी, टीम रश्मि इज हर आईडी। मे बी आप शायद आप उसे जब नहीं नहीं आई थिंक अभी आपने सडनली जब मुझे पूछा ना बिकॉज ऑल दी आईडीज रश्मि एंड रश्मि टीम एंड रश्मि इज लवर रश्मि इज वो सब मैं सबसे टच में रहती हूँ बाद में सबसे हो जाती हूँ ऑल इन ऑफ क्योंकि कहीं कुछ हो जाता ना देर इज वन हु keeps asking me आज वर्कआउट किया कि नहीं because this is the 100 days challenge which I have started for myself I'm going to change my entire this thing so वो मुझे रोज मेरे से अपडेट लेती है वर्कआउट किया why did you miss your workout अरे life की तो story चलते रहेगी why don't you start your workout I is like someone is actually scolding me telling me कि ये करो ये मत करो but that's cute I like it see by the way I would like to tell you my sister is a die hard fan of पागल है आपको वो लाइव तुरंत देखा था थैंक यू सो मच एंड निधि ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट द लॉस यू हैड आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस आई होप फैमिली विल रिकवर आई होप योर सिस्टर इज फाइन फाइन रश्मि मुझे किसी ने ये भी मैसेज किया था कि रश्मि का रिलेशनशिप स्टेटस पूछ रहा है मैंने कहा पूछ रहे ऐसा तो कुछ है नहीं रश्मि ने बहुत ही एकदम क्लियर तरीके से साफ साफ कहा है आप कहना चाहेंगी अभी मैं क्या बोलूँ आई थिंक छोड़ो मुझे तो हंसी छूट रही है कि ऐसे क्या जवाब ऐसे कौन सा सवाल है भाई जो सबको सब कुछ पता है रश्मि नयन क्या नयन मेरा बेबी बॉय अरे नयन इज ऑल्सो सी माई एंटायर फैमिली इज देयर ऑन योर इंस्टा आप एक बार पढ़िए ना एक बार पढ़िए ना रश्मि कुछ थोड़े कमेंट्स पढ़िए ना फैंस बोल रहे तो मेरी तो वो देखो घूम रहे सॉलिड वुमेन हाय रश्मि देसाई सिंगल ऑफकोर्स थैंक यू चेतना आई लव यू तुम लोगों को हिंदी नहीं आती अरे यार सॉरी यार सुमी अरे बाप रे डांट भी दिया गुस्सा अरे यार प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन दिया सी प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन सी सरिता ओके ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच आप सभी को रमजान करीम रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं दुआ जरूर करिएगा हम दोनों को भी याद रखिएगा चलिए रश्मि तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका वक्त जो है अच्छा बीते सीजन सेकंड भी आपका आरडी शो का बहुत अच्छा जाए और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके उस रिवॉल्यूशन का जो आप करने वाली हैं आई रियली विश एंड प्रे कि वो अच्छा सा हो सरप्राइज और मजा आए आपका नया देखने का आपको थैंक यू आप कोरोना से बचने के लोग कुछ मैसेज करना चाहेंगे क्या करें बहुत घर के बाहर निकलने के लिए आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई लोग नहीं समझ रहे तो उनको भी थोड़ा सा अवेयर करो अभी हम लोग जितना लाइटली ले रहे थे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और कल ही रेड जोन की बात हो रही थी तो व्हाट्सएप पे वायरल होते होते फोटोज हमारे पास भी आती है बट आई थिंक दे शुड नॉट बिलीव ऑल दोज एवरी फॉरवर्ड्स आर नॉट जो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है यूज दैट एंड यूज थोड़ा सेंसिबली काम कीजिए एंड आई थिंक अगर हम सब प्रिकॉशन लेंगे तो लॉकडाउन भी थोड़ा जल्दी खुल जाएगा सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ घर पे रहे कोरोना को समझे कोरोना और कोरोना दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़िए गुड बाय गॉड ब्लेस बाय बाय लवली टॉकिंग टू यू बाय